जा पाए, अपने घर वालों से नहीं मिल पाए। कई लोगों ने अपने परिवार के अहम सदस्यों, अपने करीबियों को खोया भी है। इस मुश्किल के बीच आपने अपने कर्तव्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। अभी आपसे मैं कई साथियों से अपने अनुभव सुनने का मुझे अवसर मिला। वैसे मेरे सामने काफी लोग हैं, लेकिन हर एक को तो संभव नहीं हुआ है, लेकिन हर एक के पास कुछ न कुछ नया था, कुछ न कुछ इनोवेटिव था और अपने तरीके से रास्ते खोजे थे। और सफलता के लिए यही सबसे बड़ा काम का होता है कि आप मूलभूत विचार को कितना लोकलाइज बना करके सेट करके उसका उपयोग करते हैं। कई अच्छे इनोवेटिव प्रयास है, जिन लोगों का आज बात करने का मौका नहीं मिला है उनके पास भी बहुत कुछ होगा। मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप बिना संकोच, आपको लगता है कि जो चीज आपने अच्छी की है, अच्छे ढंग से की है, वो मुझे जरूर भेजिए लिख करके, मेरे तक पहुंचाइए और मैं इसका अन्य जिलों में उपयोग कैसे हो इसकी जरूर चिंता करूंगा, क्योंकि आपकी मेहनत, आपके इनोवेशंस ये देश के भी काम आने चाहिए। और मुझे विश्वास है आज जितनी बातें मेरे सामने आई ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमें काम आएगी, और इसलिए मैं आपसे इंतजार करूंगा कि आप अपनी कुछ चीज़ें जरूर मुझे मेरे से शेयर करिए। आपके हर प्रयास की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, सराहना करता हूं। साथियों, हमारे देश में जितने जिले हैं उतनी ही अलग अलग चुनौतियां भी हैं। एक तरह से हर जिले के अपने अलग चैलेंजेज हैं। आप अपने जिले के चैलेंजेस को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, और इसलिए जब आपका जिला अगर जीतता है तो मतलब देश जीतता है। जब आपका जिला कोरोना को हराता है तो देश कोरोना को हराता है। और इसलिए जिले का मिजाज, गांव गांव में एक मैसेज कि मेरा गांव मैं कोरोना मुक्त रखूंगा, मेरे गांव में मैं कोरोना को प्रवेश नहीं करने दूंगा, ये गांव के लोग संकल्प लें। और गांव के लोग जिस प्रकार से व्यवस्थाएं करते हैं, मैं तो हैरान था। पिछले बार जबकि ये कालखंड था और पता नहीं था कि इस स्थिति में कैसे करना, फिर भी हमने गांव में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कोई लॉकडाउन नहीं लगाया था। और मजा ये है कि खेतों में गांव के लोग काम करते थे तो खेत में भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खेती के काम शुरू किए थे, पिछली बार आपको याद होगा। मतलब हमारे गांव कितनी तेजी से संदेश को पकड़ भी लेते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से उसको मॉडिफाई करके पक्का कर लेते हैं। गांव की ये ताकत है। मैंने देखा है आज भी कई गांवों ने अपने यहाँ आना जाना सब बहुत अच्छे ढंग से मैनेज किया है। गांव की जरूरत के लिए एक या दो लोग बाहर जाते हैं, चीजें लेकर के आते हैं, गांव में बांट देते हैं, और गांव में से कोई मेहमान भी आए तो उसको पहले बाहर रखते हैं। गांव की अपनी एक ताकत होती है, उस ताकत का अपना एक उपयोग होता है। और मैं साथियों कहना चाहूंगा कि कोरोना के खिलाफ इस युद्ध में आप सब लोग एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। आप एक तरह से इस युद्ध के फील्ड कमांडर हैं। जैसा कि किसी भी युद्ध में होता है, फील्ड कमांडर बड़ी योजना को मूर्त रूप देता है, जमीन पर उस लड़ाई को लड़ता है, परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेता है। आप सब भारत की इस लड़ाई के महत्वपूर्ण फील्ड कमांडर्स के रूप में आज नेतृत्व संभाल रहे हैं। और इस वायरस के खिलाफ हमारे हथियार क्या है? हमारे हथियार हैं
लोकल कंटेनमेंट जोन्स, एग्रेसिव टेस्टिंग और लोगों तक सही और पूरी जानकारी, हॉस्पिटल्स में कितने बेड्स उपलब्ध हैं, कहाँ उपलब्ध हैं, ये जानकारी आसानी से उपलब्ध होने पर लोगों की सहूलियत बढ़ती है। इसी तरह काला बाजारी पर लगाम हो, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो, या फ्रंटलाइन वर्कर्स का मोरल हाई रखकर उन्हें मोबिलाइज करना हो, एक फील्ड कमांडर के रूप में आपके प्रयास पूरे जिले को मजबूती देते हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स को आपके कंडक्ट और एक्शन से हमेशा प्रेरणा मिलती है, उनका भरोसा और बढ़ता है। मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगा, अब इसलिए अगर आपको कहीं लगता है कि सरकार द्वारा बनाई पॉलिसी में जिला स्तर पर किसी इनोवेशन की जरूरत है, उस इनोवेशन में से पॉलिसी को ताकत मिलेगी, तो मेरा आपको खुली छूट है, आप जरूर कीजिए। अगर ये इनोवेशन आपके जिले की स्थानीय जरूरतों के हिसाब से है तो उसे उसी हिसाब में करिए। अगर आपको लगता है कि आपने जो इनोवेशन किया है वो पूरे प्रदेश के लिए या पूरे देश के लिए बेनिफिशियल है तो उसे सरकार तक भी पहुंचाइए। अगर आपको अपने अनुभवों से तेजी से बदलती परिस्थितियों के हिसाब से पॉलिसीज में किसी सुधार की जरूरत लगती है तो उसका भी फीडबैक जरूर पहुंचाइए, बिना संकोच पहुंचाइए। क्योंकि लड़ाई ऐसी है कि हम सब मिलकर के सोचेंगे, सब मिलकर के नई नई चीजें ले आएंगे, तब जाकर के हम कर पाएंगे। साथियों, आपके जिले की सफलता बाकी जिलों के लिए एक उदाहरण बन सकती है, उनकी भी मदद कर सकती है। कोरोना से निपटने के लिए जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको भी हमें एडॉप्ट करते चलना है। आपके बहुत से साथी ऐसे जिलों में होंगे जहां कोरोना संक्रमण पीक पर पहुंचने के बाद अब कम हो रहा है, उनके अनुभवों से सीखकर आप अपने जिलों में अपनी रणनीति को और मजबूत करते रहेंगे तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई और आसान होगी। साथियों, इस समय कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के आंकड़े कम हो रहे हैं, कई राज्यों में बढ़ भी रहे हैं। कम होते आंकड़ों के बीच हमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। बीते एक साल में करीब करीब हर मीटिंग में मेरा यही आग्रह रहा है कि हमारी लड़ाई एक जीवन बचाने की है, एक एक जीवन बचाने की है। हमारी जिम्मेदारी संक्रमण को फैलने से रोकने की भी है, और ये तभी संभव है जब हमें संक्रमण की स्केल की सही जानकारी होगी। टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेशन, ट्रीटमेंट और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, इस पर लगातार बल देने रहना जरूरी है। कोरोना की इस दूसरी वेव में अभी ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में हमें बहुत ध्यान देना है। इसमें फील्ड में बिताया हुआ आप सभी का अनुभव और आपकी कुशलता ये बहुत काम आने वाली है। हमें गांव गांव में जागरूकता भी बढ़ानी है और उन्हें कोविड के इलाज की सुविधाओं से भी जोड़ना है। बढ़ते हुए केसों के
और संसाधनों की सीमाओं के बीच लोगों की अपेक्षाओं को उचित समाधान देना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सारी चुनौतियों के बीच समाज के सबसे निचले छोर पर खड़े व्यक्ति का चेहरा ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है। उसका कष्ट दूर हो, उसको मदद मिले, हमें ऐसी व्यवस्थाओं को और मजबूत करना है। इस बहुत बड़े वर्ग तक जब प्रशासन का एक भी व्यक्ति पहुंचता है तो या उससे संपर्क करता है, उसकी बात सुनता है, तो उससे बहुत बड़ा विश्वास जगता है। बीमारी से लड़ने की उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। जैसे हम देखते हैं जब होम आइसोलेशन में रह रहे परिवार के पास प्रशासन के लोग ऑक्सीमीटर लेकर जाते हैं, दवाएं लेकर जाते हैं, तो उसकी खोज खबर लेते हैं, तो उस परिवार को संबल मिलता है कि हम अकेले नहीं हैं। साथियों, कोविड के अलावा आपको अपने जिले के हर एक नागरिक की ईज ऑफ लिविंग का भी ध्यान रखना है। हमें संक्रमण को भी रोकना है और दैनिक जीवन से जुड़ी जरूरी सप्लाई को भी बेरोक टोक चलाना है। इसलिए स्थानीय स्तर पर कंटेनमेंट के लिए जो भी गाइडलाइंस जारी की गई है उनका पालन कराते समय इस पर भी गौर करना है कि गरीब को परेशानी कम से कम हो, किसी भी नागरिक को परेशानी ना हो। साथियों, पीएम केयर्स के माध्यम से देश के हर जिले के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर तेजी से काम किया जा रहा है। कई अस्पतालों में ये प्लांट काम करना शुरू भी कर, जैसे अभी चंडीगढ़ का हमने सुना कितना बेनिफिट हुआ उनको। और इसलिए आपसे मेरा आग्रह है कि जिस भी जिलों को ये प्लांट अलॉट होने वाले हैं वहां हर जरूरी तैयारी पहले से पूरी होने पर ऑक्सीजन प्लांट और तेजी से सेटअप हो जाएंगे। अस्पतालों में ऑक्सीजन मॉनिटरिंग कमिटी जितना सही काम करेगी उतना ही ऑक्सीजन का सही इस्तेमाल हो पाएगा। साथियों, टीकाकरण कोविड से लड़ाई का एक सशक्त माध्यम है, इसलिए इससे जुड़े हर भ्रम को हमें मिलकर के उसको निरस्त करना है। कोरोना के टीके की सप्लाई को बहुत बड़े स्तर पर बढ़ाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन के लेकर व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं को हेल्थ मिनिस्ट्री लगातार स्ट्रीमलाइन कर रही है। कोशिश ये है कि अगले 15 दिन का शेड्यूल राज्यों को एडवांस में मिल जाए। इससे आपको भी पता रहेगा कि जिले में कितने लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध होने जा रही है और आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है। वैक्सीन वेस्टेज रोकने में जिला स्तर पर सही प्रबंधन की भूमिका के बारे में भी आप अच्छी तरह जानते हैं। आपके सहयोग से वैक्सीन वेस्टेज पूरी तरह रुक सकती है। इतना ही नहीं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की दिशा में हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। साथियों, ये समय एक प्रशासक के साथ ही एक ह्यूमन रिसोर्स और लॉजिस्टिक मैनेजर के रूप में भी आपकी भूमिका को टेस्ट कर रहा है। मेडिकल से जुड़ी सप्लाई ही नहीं बल्कि आपके जिले में दूसरी जरूरी सप्लाई भी पर्याप्त हो, ये बहुत जरूरी है। बरसात के मौसम में हम सब जानते हैं कि आप जो रोजमर्रा सरकार के कामों में जुड़े होते हैं,
लेकिन जैसे ही जून महीना सामने आना शुरू होता है आपका ध्यान मौसम, बारिश, क्या हो सकता है, क्या कर, उसमें जाता ही है, काफी आपको अटेंशन देना पड़ता है। और इस बार भी बारिश अब शुरू होने जा रही है तो स्वाभाविक आपको बरसात के मौसम की जो चुनौतियां हैं, जो एक्स्ट्रा आपके लिए बर्डन भी होती हैं, जिम्मेवारी भी होती हैं, और इसलिए आपको बहुत तेजी से अपनी जरूरतों को मैप करना है और जरूरी प्रबंध करना है। अब कई बार तेज बारिश के कारण बिजली चली जाती है और कहीं अस्पताल में बिजली चली गई तो बहुत बड़ा संकट हो जाएगा ऐसे समय, तो ये चीजें अभी से हमको सोचनी पड़ेगी। चुनौती बड़ी है लेकिन हमारा हौसला उससे भी बड़ा है और हमारा रिस्पॉन्स न भूतो न भविष्यति ऐसा ही होना चाहिए। इसी हौसले और संकलन के साथ, इसी इरादे और संकल्प के साथ हम देश को इस संकट से बाहर निकालेंगे। अभी कोरोना के खिलाफ आपको जो अनुभव मिलेंगे वो भविष्य में भी आपके भी और देश के भी बहुत काम आने वाले हैं। इन अनुभवों का सही इस्तेमाल करके आप आगे भी देश की बड़ी सेवा कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपके सहयोग से, आपके कुशल नेतृत्व से, आपके कुशल प्रबंधन से भारत कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में मजबूती से आगे बढ़ेगा। मुझे खुशी है कि आज सभी जो जी राज्य इस मीटिंग में हैं उनके सभी माननीय मुख्यमंत्रियों ने भी समय निकाला। जब कार्यक्रम की रचना कर रहे थे तब लग रहा था कि मुख्यमंत्रियों का समय इसमें व्यस्त करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जिले के लोगों से बात करना पड़ता है, वो तो जानते ही थे, लेकिन फिर भी इस विषय के प्रति गंभीरता को लेकर के, संवेदनशीलता को लेकर के मुख्यमंत्री भी इसमें जुड़े हैं, ये बहुत ही स्वागत योग्य है। मैं सभी आदरणीय मुख्यमंत्रियों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में आपकी जिले की सारी टीमें एक विश्वास के साथ, संकल्प के साथ एक एक गांव को कोरोना से बचाना है इस मंत्र को लेकर के आप आगे बढ़ें और तेजी से रिकवरी रेट बढ़े, तेजी से पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़े, तेजी से टेस्ट ज्यादा हो, इन सभी बातों पर बल देते हुए हम सफलता की दिशा में एक भी प्रयास न छोड़े, एक भी प्रयोग न छोड़े। मुझे विश्वास है कि जो आपसे सुना है उसमें एक आत्मविश्वास भी है, अनुभव भी है, नए नए तौर तरीके भी हैं, ये सारी चीजें अपने आप में बहुत बड़ा विश्वास पैदा करती हैं। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और बहुत बड़ा काम है, फील्ड में रहना है, आपके स्वास्थ्य का भी जरूर ख्याल रखिए, अपने परिवारजनों के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए और आप जिस क्षेत्र को संभाल रहे हैं वहां के एक एक नागरिक के स्वास्थ्य को बनाए रखने में आपका नेतृत्व काम आए, इसी अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने 9 राज्यों के 46 जिलों के डीएम से बात की, मुख्यमंत्री भी मौजूद थे, उनसे बात की किस तरीके से वो काम कर रहे हैं और क्या ऐसी चीजें हैं जो और दूसरे राज्य भी कर सकते हैं, क्योंकि गांवों में जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है उसको रोकना भी बहुत जरूरी है। इसी मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में है।